सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं संगीता कक्षा चार में आज हम करेंगे अपना सोशल स्टडीज में चैप्टर 9 जिसका नाम है लाइफ ऑफ पीपल इन साउदर्न प्लेटू। स्टूडेंट, एसएसटी वो सब्जेक्ट है जो हमारे इंडिया और वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड के बारे में नई नई चीजें हमें सिखाने को मौका सीखने का मौका मिलता है और हमें कंट्री से अलावा अलग अलग कंट्रियों के बारे में तो हमें नॉलेज मिलती ही है। देखो, हमें स्टेट्स के बारे में, वहाँ के खाना पीना, व्यवसाय यानी कि फूड, कल्चर, ड्रेस, ऑक्यूपेशंस और वहाँ का टूरिस्ट प्लेसेस, जब हम ये चीज़ें इतनी सारी जान लेते हैं तो ये होता है कि हम उस प्लेस के बारे में हमें अच्छे से जारी नॉलेज तो हो ही गई है और जैसे हम वहाँ पर घूम के भी आ चुके हैं तो आधी जानकारी तो हमें पढ़ने से ही मिल जाती है और उस स्टेट के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाती है और जब नेक्स्ट टाइम हमें वहाँ पर जाने का मौका मिलेगा तो हम अच्छे से अपनी तैयारी के साथ जाएंगे कि वहाँ का क्लाइमेट वगैरह कैसा है और दूसरा वहाँ के हमारे अकॉर्डिंग जो हमारा फूड वगैरह है, जो भी चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है वो वहाँ पर है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो आज हम करेंगे अपना जो हमारा चैप्टर है लाइफ ऑफ पीपल इन द साउदर्न प्लेटू। जो साउदर्न प्लेटू है इंडिया के मेन फिजिकल डिवीजन के अंदर आता है साउदर्न प्लेटू। तो बच्चों, साउदर्न प्लेटू मीन्स हमारे इंडिया के जो इसमें है साउथ में है और ट्रायंगुलर शेप में है, जहाँ की स्टेट थे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा और कुछ हिस्सा केरला का। तो बच्चों ये स्टेट थे हमारे किसके, साउदर्न प्लेटू। तो ये तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया था, आज हम इसी चैप्टर में करेंगे कि जो हमारा स्टेट वाइज है हम उसके हर चीज़ के बारे में पढ़े, यानी कि हम उसका एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाए कि हमें वहाँ के फूड, कल्चर, मिनरल रिसोर्सेज, ड्रेस, म्यूजिक सभी चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज हो सके। तो बच्चों, आप मेरे साथ साथ बोल बोल कर आप इसे इस प्रोजेक्ट को आप अपने नोटबुक पर राइट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे ऊपर मध्य प्रदेश, और चैप्टर के यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखेंगे लाइफ ऑफ पीपल इन साउदर्न प्लेटू। ओके, ये चैप्टर का नाम राइट कर दिया है। अब प्रोजेक्ट हमें सबसे पहले बनाएंगे हम महाराष्ट्र के बारे में हम क्या क्या करेंगे, पहले महाराष्ट्र स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश, कैपिटल इसकी है भोपाल, बोल बोल कर लिखना आपको, ये कैपिटल इसकी है मध्य प्रदेश, सॉरी स्टेट है मध्य प्रदेश, कैपिटल है भोपाल। इम्पोर्टेंट सिटीज आर ग्वालियर, GWALIOR ग्वालियर, जबलपुर एंड इंदौर, INDOR इंदौर। आपको बोल बोल कैसे स्पेलिंग बोल बोल के करोगे तो आपको स्पेलिंग भी लर्न हो जाए। टूरिस्ट प्लेस TOURIST टूरिस्ट प्लेस, प्लेसेस कौन से हैं, खजुराहो टेम्पल्स KHAJURAHO खजुराहो टेम्पल्स, मतलब वहाँ के जो टेम्पल है खजुराहो टेम्पल्स है वो फेमस है। सांची स्तूपा, सांची का स्तूप, भीमबेटका BHIMBETKA भीमबेटका केव्स, पेंटिंग केव्स होता है बच्चों, भीमबेटका एक जगह है जहाँ पर की गुफाओं में वहां पर पेंटिंग की हुई थी आदि मानव, पत्थरों के ऊपर दीवारों के ऊपर वो पेंटिंग है, तो उसको बोलते हैं वो जगह है भीमबेटका केव पेंटिंग। तो वहां पर टूरिस्ट आते हैं इनको देखने के लिए। नेक्स्ट है नेशनल पार्क, आप सबसे पहले फ्रंट में ये चीज लिखी, जैसे मैंने लिखा स्टेट मध्य प्रदेश, कैपिटल भोपाल, इम्पोर्टेंट सिटीज, ये नहीं कि सारे एक ही लाइन में, नहीं, आपको ये अलग चाहे डार्क कलर के यानी स्केच पेन से भी लिख सकते हो आप। ठीक है, स्टेट कैपिटल इम्पोर्टेंट सिटीज टू
प्लेसेस आ गए, फिर नेशनल पार्क, वहां पर नेशनल पार्क कौन से हैं, कान्हा नेशनल पार्क, दोबारा फिर बता देते हैं, नेशनल पार्क एन ए टी आई ओ एन ए एल नेशनल पार्क पी ए आर की पार्क में कौन कौन से हैं वहां पर, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क पार्क बी ए एन डी एच ए बी जी ए आर एच बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ऑक्यूपेशंस यानी कि मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वहां का ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशंस क्या है, व्यवसाय क्या है, यानी कि उन लोगों को जो लाइफ चलाने के लिए वो क्या काम करते हैं, फार्मिंग खेती करते हैं, मेन क्रॉप्स हैं वहां की, मेन क्रॉप्स यानी कि मुख्य जो फसल जो ग्रो करते हैं कौन सी है, वीट कॉटन, वीट एंड कॉटन, ज्वार राइस एंड शुगर केन, राइस यानी कि चावल एंड शुगर केन यानी कि गन्ना, ये वहां की मेन क्रॉप्स है जो ग्रो की जाती है। मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज खनिज संपदा रिसोर्सेज वहां पर क्या क्या धरती के अंदर से निकलते हैं, ठीक है, किस किस चीज की खान है वहां पर, क्या कोल कोयला आयरन लोहा एंड डायमंड माइंस, डायमंड माइंस यानी जो पन्ना है, जो डायमंड जो पन्ना है एक वो डायमंड का, डायमंड एक टाइप का, तो उसकी खान माइंस होती है खान है, जो उनकी खान है। मैं दोबारा फिर बताती हूँ, मिनरल रिसोर्सेज क्या वो कोल कोयला आयरन लोहा एंड डायमंड माइंस यानी कि पन्ने की, जो पन्ना एक डायमंड है जो ग्रीन कलर का होता है तो उसकी वो वहां पर खान है। फूड, वहां का फूड क्या है, मेन फूड क्या उनका, भुट्टे की खीस, चक्की का, चक्की की साग, ये क्या उनका फूड है, और स्वीट डिश में क्या है, मावा बाटी, मावा बाटी, मालपुआ एंड मालपुआ स्पेलिंग है एम ए एल पी यू ए, मालपुआ एंड खोपरा पाक, खोपरा पाक होता है के एच ओ पी आर ए पी ए के खोपरा पाक, ये मतलब मेरे ख्याल से तो ये नारियल होता है ना, जो नारियल की बर्फी वगैरह कुछ ऐसा कुछ होता होगा, ठीक है, आर फेमस स्वीट डिश, मतलब मावा बाटी मालपुआ एंड कोपरा पाक, ये क्या है फेमस स्वीट डिश है कहाँ की, मध्य प्रदेश, ओके। अब ड्रेसेस, ड्रेसेस क्या है वहां की, लुगाड़ा मतलब उसमें आता है लहंगा, जो लहंगा होता है उसको क्या बोलते हैं, लुगाड़ा एंड घाघरा, ये लहंगा और घाघरा कौन पहनते हैं, वुमेन डालती है फॉर वुमेन, ये तो वुमेन की ड्रेस होगी, घाघरा और जो महंगा वो डालते हैं वो वुमेन की ड्रेस है। बांदी एंड धोती, बांदी या फिर धोती विद चंदेरी पगड़ी और साफा, सिर पर क्या होता है साफा या फिर पगड़ी। ट्राइब्स, वहां पर कौन कौन सी जातियां हैं, ठीक है, ट्राइब्स होते हैं जो जातियां, टी आर आई बी ई एस ट्राइब्स, ट्राइब्स वहां की मन की वहां पर रहने वाली जो जातियां जो वहां की शुरू से ही जो परमानेंट है, वो जातियां कौन कौन सी है, वील्स गोंड्स कोल्स एंड कोरकेन्स, दोबारा फिर वील्स जो आदिवासी होते हैं ना जो जंगलों में रहते हैं, तो वो कौन कौन सी जाती है, बील्स बी एच आई एल एस बील्स, गोंड्स जी ओ एन डी एस गोंड्स, कोल्स के ओ एल एस एंड कोरकेन के ओ आर के ई एन एस कोरकेन्स। पॉपुलर, ये क्या वहां की ट्राइब्स की होगी, ट्राइब्स होगी ये सभी। अब पॉपुलर जो ट्राइबल्स जो यहाँ आदिवासी है उनका पॉपुलर डांस क्या है, द पॉपुलर ट्राइब्स डांस आर मुरिया कारकेसर कारसर के ए आर
कार्य फल एंड कर्म, ये क्या है जो ट्राइब्स जो आदिवासी है उनके फेमस पॉपुलर डांसेस है। अब है फेस्टिवल, फेस्टिवल यानी कि त्योहार, हर स्टेट के अपने जैसे त्योहार होते हैं, कुछ नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं ना, और ये स्टेट के फेस्टिवल है कौन से, तानसेन म्यूजिकल फेस्टिवल, फेस्टिवल तानसेन म्यूजिकल फेस्टिवल एट ग्वालियर, जो ग्वालियर जो फेमस जो ग्रैंड सिटी है वहां पर कौन सा म्यूजिक कौन सा फेस्टिवल है, तानसेन म्यूजिकल TANSEN तानसेन म्यूजिकल MUSICAL म्यूजिकल फेस्टिवल एट ग्वालियर, खजुराहो डांस फेस्टिवल, खजुराहो डांस फेस्टिवल, और फिर जो ट्राइब्स का वो क्या है भगार भगोरिया, भगोरिया जो ट्राइब्स है उनका पॉपुलर डांस है वो क्या है भगोरिया। ठीक है बच्चों, आज आपको ये जो मध्य प्रदेश का जो जो साउदर्न प्लेटू के अंदर आता है स्टेट, तो उसके आपने प्रोजेक्ट आप ऐसे बनाओगे, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया, और जो बाकी स्टेट है उनका भी आप ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाओगे। ठीक है, आज के लिए इतना, थैंक यू, नाइस डे।